हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुबिन। करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 5.2। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1.28। तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस फंक्शन को वाई मान लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसकी हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन। इस पूरे को एक एक्स समझो, इस पूरे को भूल जाओ कि कुछ है, ये समझो कि खाली एक्स है। तो क्या करेंगे, साइन का डिफरेंशिएट करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा, पहले इसको लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं साइन का। साइन का होता है कॉस एक्स, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जो पूरा एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद चैन रूल बताया था आपको कि अंदर अगर x है तब तो ठीक है, x का भी 1 होता है, इसलिए मतलब अगर कुछ कांस्टेंट है तब तो करेंगे नहीं, 1 का 1 होता है इसलिए हम करते नहीं है। अब यहाँ पे अगर x के अलावा कुछ भी है, फंक्शन के अलावा एक्स स्क्वायर है, क्यूब है, 2x है, 5x है या रूट है, तो उसका हम फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ जिसके अंदर का एंगल है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये ऐसे ही आएगा, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर करेंगे फिर 5 का करेंगे। एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होता है, 2x, क्योंकि एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो ये 2x हो जाएगा। और 5 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2x। तो 2x बाहर आ जाएगा और फिर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, कॉस साइन एक्स, मतलब कॉस का एंगल साइन एक्स। तो वाई को ले लेते हैं लेट कॉस साइन एक्स। तो फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसको एक्स समझो तो इसको एक्स का ऐसे ही लिखो। फिर चैन रूल, जो भी अंदर होता है उसका फर्दर डिफरेंशिएट होता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये तो होगा माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। साइन ए एक्स प्लस बी, तो क्या करेंगे, लेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। फिर करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन, इसमें कहा था पूरे को एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा साइन, इसको डिफरेंस करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस, तो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर अंदर वाले का फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, ए एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा ए, क्योंकि एक्स के साथ कॉन्स्टेंट है तो ये आ जाएगा, और ये प्लस बी, बी का कॉन्स्टेंट हुआ, इसका डी डी एक्स 0 होता है, तो प्लस 0। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए, यहाँ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सेक टेन रूट एक्स। तो वाई ले लेते हैं सेक टेन रूट एक्स। अब यहाँ देखिएगा चैन रूल, अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें क्या करेंगे, पहले सेक का करेंगे, इसको पूरे को एक्स मानेंगे, तो सेक का आ जाएगा, फिर चैन रूल से टेन रूट एक्स करेंगे, तो 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 का क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स, उसके बाद फिर रूट ऐसे करेंगे। ठीक है, तो जब तक कहता जाएगा तब तक चलते रहेंगे। तो पहला इसे करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इसका, और सेकेंड एक्स का, सेकेंड एक्स से क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एक्स, तो इसको पूरे एक्स मानोगे तो हो जाएगा सेकेंड एक्स, एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, टेन रूट एक्स, सेकेंड एक्स और टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स, एक्स की जगह फिर टेन रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएट किया, सेकेंड एक्स टेन एक्स, उसके बाद क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ फिर टेन का, टेन रूट एक्स का ऑफ अगेन। अब इक्वल टू ये ऐसे रहेगा, सेक टेन रूट एक्स, फिर ये टेन टेन रूट एक्स, उसके बाद डी डी एक्स और टेन का, टेन का डी डी एक्स क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ एक्स क्या है, रूट एक्स, लेकिन हम एक्स ही इसको एक्स मान के चलते हैं, तो ये होगा टेन एक्स का
टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स इज का लिखूंगा रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का डी डी एक्स करूँगा, फिर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब करता हूँ इसको, तो इसको ऐसे लिखूंगा टेन रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स, फिर ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, फिर डी डी एक्स और रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंस होता है असल में क्या, वन अपॉन टू रूट एक्स। कैसे होता है, एक्स की पावर वन अपॉन टू, रूट का मतलब होता है एक्स की पावर वन अपॉन टू। इसका डिफरेंस करूँगा तो क्या आएगा, वन अपॉन टू, यानी एक्स की पावर एन का एन आता है, एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो वन अपॉन टू ऐसी रहेगा, एक्स की पावर टू एलसीएम लेंगे टू आ जाएगा, वन माइनस टू यानी माइनस वन अपॉन टू, और माइनस वन अपॉन टू का मतलब है वन अपॉन टू रहेगा ही, और नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा वन अपॉन टू। और वन अपॉन टू किसके लिए लेते हैं, रूट एक्स के लिए, तो ये याद भी कर सकते हो आप और निकाल भी सकते हो। तो रूट एक्स का डिफरेंस होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। तो फिर डी डी एक्स और रूट एक्स किया तो क्या आ जाएगा, इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है, अपॉन में रूट एक्स, सॉरी अपॉन टू रूट एक्स, ये आ गया। अब इसको सही से कर लेते हैं, यानी अपॉन में ले देंगे टू रूट एक्स, और यहाँ आएगा सेक टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स, फिर सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, ये है इसका आंसर। फाइव है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, यानी अपॉन आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जो अभी इंट्रोडक्शन के इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यू अपॉन बी यानी क्वेश्चन रूल बताया था। क्वेश्चन रूल क्या होता है, अगर मैं डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी ये करूँ मैं, तो इसका होता है वी का स्क्वायर, वी को ऐसे लिखते हैं, फिर डी डी एस करते हैं यू का, फिर माइनस यू को ऐसे लिखते हैं और डी डी एस करते हैं वी का, ठीक है, ये है क्वेश्चन रूल। तो ये लगेगा इसमें, तो वाई को ले लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करते हैं, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहले करेंगे हम अपॉन में जो है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर किया फिर अपॉन में, इसको सेम ऐसे लिखते हैं, सेम ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ यू, तो क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस करते हैं, माइनस में क्या करेंगे, फिर यू लिखेंगे, यू क्या है, यू यानी डी डी एक्स जो जिसका किया है इसको ऐसे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट जो दूसरा वाला है, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, कॉस का ऐसे रहेगा कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का होता है कॉस, तो लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, और फर्दर करेंगे ए एक्स प्लस बी का जेन रूल डी डी एक्स, तो ए एक्स का क्या आएगा ए, तो ए आ जाएगा, तो ए बाहर लिख लेंगे हम, ठीक है, माइनस साइन, साइन का आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस का, यानी इस पूरे को एक्स मानो, हाँ इस पूरे को एक्स मानो, तो कॉस एक्स का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से का माइनस, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। फिर चेन रूल अगेन फर्दर करते हैं इसका, सी एक्स प्लस डी का जीरो आ जाएगा, सी एक्स का सी आ जाएगा, तो सी को आगे लगा देंगे, और अपॉन में, अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब फिर ए कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन में सी है, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, तो क्या करेंगे, इस टर्म के नीचे इसको लिख देंगे, इस टर्म के नीचे भी इसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखो ए कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब देखो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इस पूरे में से एक कट जाएगा, और प्लस यहाँ सेम सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में, फिर इसको लिख देंगे कॉस
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे सी एक्स प्लस डी साइन अपॉन कॉस, तो एक इसमें दो पावर हैं, यानी एक साइन, साइन एक ही है, कॉस दो हैं, तो एक साइन और एक कॉस का टेन बन जाएगा और एक कॉस बचेगा, उसको ऊपर जाएगा तो सेट बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये वाला बचा, और नीचे बचा खाली एक कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, हमने टेंथ में पढ़ा था, तो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, उसके बाद प्लस सेम सी ए सी आएगा, साइन ऐसी रहेगा क्योंकि इसका एंगल और नीचे एंगल सेम नहीं है। अब साइन सी एक्स प्लस डी और एक कॉस सी एक्स प्लस डी बन के आ जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और अकेला एक कॉस बचेगा, उसका क्या हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो फॉर्मूला में बताया था मैंने आपको कि कॉस एक्स का उल्टा होता है वन अपॉन सेक एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स, और कॉस एक्स और कोसेक, कोसेक नहीं और क्या लगा इसमें, बस अगर इतना ही लगा है, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स का फाइव। तो इसमें देना दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, यानी दो फंक्शन होते थे, मैंने क्या बताया था इससे पहले वाली वीडियो में बताया मैंने, यूवी मतलब प्रोडक्ट रूल, वो क्या था हमारा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल था हमारा डी डी एक्स ऑफ यू डॉट वी, यानी यू को ऐसे लिखेंगे तो डी डी एस करते हैं वी का, प्लस वी को ऐसे लिखते हैं डी डी एस करते हैं यू का, ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल, तो वही लगेगा इसमें और दो फंक्शन आते हैं। तो लिखते हैं पहले, लेट y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स का फाइव। तो पहले करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो पहले क्या है u, u ऐसे ही लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे cos x का क्यूब, फिर डी डी एक्स ऑफ v, डी डी एक्स ऑफ v, v क्या आएगा साइन स्क्वायर x की फाइव, फिर प्लस v ऐसे ही आएगा तो साइन स्क्वायर x का फाइव ऐसे ही रहेगा, फिर डी डी एक्स ऑफ u, u क्या लिया था हमने cos x का क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा कॉस एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन स्क्वायर, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, इसका मतलब हुआ साइन स्क्वायर एक्स का पावर फाइव, इसका मतलब हुआ साइन एक्स की पावर फाइव का होल स्क्वायर, यानी ये किसका बन जाएगा एक्स की पावर एन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यानी एन बाहर आ जाएगा टू, इसका मतलब टू बाहर आएगा, टू बाहर आएगा, और फिर अंदर क्या बचेगा साइन एक्स की पावर फाइव, ठीक है। और फिर देखो अगर मैं इसको करूँ, इसका डिफरेंशिएट करूँ, तो टू बाहर आएगा, अंदर आएगा साइन एक्स की पावर फाइव, ये आया, और यहाँ टू माइनस वन वन होता है खत्म, फिर अंदर इसके पूरे का डिफरेंशिएट होगा, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, फिर कॉस एक्स की पावर फाइव, ठीक है, फिर कॉस इसका होगा एक्स फाइव का, इसका फाइव का क्या होगा फाइव एक्स का फोर, तो ही आ जाएगा इसमें आपको, तो साइन आ गया यहाँ पे, यानी यहाँ पावर टू माइनस वन हो गई। फिर इस पूरे का डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो इसका कोसाइन का क्या होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह है एक्स फाइव, फिर यहाँ पे एक्स फाइव है, तो इसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा फाइव एक्स की पावर फोर, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप अलग अलग स्टेप में कर सकते हो। प्लस उसके बाद ये सेम ऐसे आएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव, डी डी एस ऑफ कॉस एक्स क्यूब, तो कॉस का क्या होता है भूल जाओ कि एक्स क्यूब है, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, तो एक्स का एक्स क्यूब कर दूंगा, फर्दर फिर एक्स क्यूब का करूँगा, एक्स क्यूब क्या आएगा एक्स क्यूब का थ्री आ जाता है एक्स, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू यानी थ्री एक्स का, सॉरी थ्री माइनस वन होता है तो थ्री एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा इसके करके थ्री एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख देते हैं हम। यहाँ देखो फाइव टू, फाइव टू जो टेन हो जाएगा तो टेन आ जाएगा, और यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब ये रहेगा, और साइन एक्स की फाइव ये भी आएगा, और आएगा कॉस एक्स का फाइव ये आ जाएगा, और एक्स की पावर फोर भी है, एक्स की पावर फोर, इसको आगे भी ले सकते हो आप, प्लस प्लस नहीं माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, तो नंबर है यहाँ पे थ्री, एक्स स्क्वायर को आगे लिख देते हैं, फिर साइन स्क्वायर एक्स की फाइव और साइन एक्स का क्यूब, ये था इसका।